भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले दो T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला गया, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का जलवा रहा। भुवी ने इस मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने सबसे तेज गेंद डालकर पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर के सबसे तेज गेंद डालने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मैच के पहले ही ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे क्रिकेट फैंस का सर चकरा गया। जब भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए, तब उनकी एक बॉल की स्पीड 208 किलोमीटर प्रति घंटा की दिखाई दी। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद रही, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस रिकॉर्ड को तोड़ने की अपेक्षा उमरान मलिक से की जा रही थी, लेकिन भुवी ने ये कमाल कर सभी को हैरत में डाल दिया। हालांकि इसे स्पीडोमीटर की गलती बताकर रद्द कर दिया गया। वैसे ये कारनामा एक नहीं दो दो बार हुआ है। जब भुवनेश्वर कुमार ने भारत की ओर से बॉलिंग की शुरुआत की, तब पारी की पहली बॉल की स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई। इसके बाद एक बॉल की स्पीड 208 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई गई। भले ही ये स्पीडोमीटर की कमी के कारण हुआ हो, लेकिन फैंस को मजे लेने का एक मौका मिल गया। एक फैन ने ट्विटर पर लिखा कि शोएब अख्तर, उमरान मलिक सब भुवनेश्वर की स्पीड के आगे फेल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट भी काफी वायरल हुआ है और मीम्स भी तैयार हो चुके हैं। इस मैच में एक और कारनामा भुवी द्वारा किया गया, जो पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने का है। T20 क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए भुवनेश्वर कुमार ने मैच के पहले ओवर की पांचवी गेंद पर आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू को पवेलियन वापस भेजा। इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। भुवनेश्वर कुमार ने ये मुकाम न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को पछाड़ कर हासिल किया। टिम साउदी ने पावर प्ले में 33 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में 34 विकेट हासिल कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व स्पिनर बद्री 33 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स चीटी को सब्सक्राइब करें।